अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? रमजान मुबारक आप सबको बहुत बहुत। और आज पहली सहरी है, चलिए बनाते हैं सहरी और आपको भी साथ किचन में ले चलती हूँ। आज व्यूवर्स मुझे आप बताइएगा आपको ये डेकोरेशंस कैसी लग रही हैं। ये मैंने दराज से चीज़ें मंगाई थी आप लोगों के साथ, वो वीडियो मैंने शेयर की थी। तो ये देखें व्यूवर्स, घी का डब्बा देखा है तो खाली है। काम तो भैया तो नहीं होते, अपनी तरफ से सारे काम किए हुए थे कि सहरी बस जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर लूँगी। लेकिन याद ही नहीं रहती ये भी फिर आने वाला है। हो गया, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में सब काम हो जाते हैं जो काम करना हो उसे। लो जी यार, काम तो हो गया, शाम फिर भी बाकी काम। चार 4:15 हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह करें। देखेंगे बस, मैं आपको 2 इलायचीज नजर आ रही होंगी। पहले तो मैं इतनी ज्यादा इलायचीज वाला बना लेती हूँ, क्योंकि ना वो कड़वा हो जाता था। अब तो माशाल्लाह ठंड है, इसलिए आज मैंने सिर्फ 2 इलायचीज इसमें शामिल की हैं। ये देखें, इससे मुंह खुश्क नहीं होता। मैं कई सालों से ये बनाती हूँ, तो बस जिस जिसने पीना होता है पी लेते हैं। ये मैं बस बाहर रखाऊंगी। चलें जी, पहले बना लेते हैं सारे पेड़े। बॉल्स जो होते हैं डो के, आटे के, पेड़े ही कहते हैं। मैंने पता है हर कार च पेड़े ही कहीं, इधर बॉल्स से ऐसी वो बड़े फॉर्मल होके गल करने हैं। व्यूवर्स मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मा आपकी लैंग्वेज को क्या हो गया है, आप किस तरह बोलती हैं। तो मैं कहती हूँ भाई बस अब मैं ना इसी तरह बोला करूँगी, मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है इस तरह बोलना। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता कि मैं इस तरह बोलती हूँ, लेकिन भाई मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। आप लोग भी पसंद कर लिया करें। और व्यूवर्स जो इतना लपेट के मैंने दुपट्टा लिया हुआ ना, मैं इस तरह लेती नहीं हूँ। आजकल मौसम अच्छा तो किचन में चलो इस तरह ले लिया मैंने, गर्मी में तो मेरे से दुपट्टा लिया ही नहीं जाता है। दूसरा, मैं सहरी से पहले नफल पढ़ लेती हूँ, साथ में कुराने पाक पढ़ रही होती हूँ, इस वजह से इस तरह से जरा दुपट्टा लिया हुआ था। बाकी सब सहरियों में या अफ्तारियों में जस्ट अजान टाइम मैं सर पे दुपट्टा लूंगी, वैसे मैं नहीं लेती हूँ, ना ही मैं ले सकती हूँ गर्मी की वजह से, ना मैं हिजाब कर सकती हूँ। अक्सर मेरा दिल चाहता है कि मैं ना प्रॉपर स्कार्फ लिया करूँ या अबाया पहना करूँ, लेकिन मेरे से गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है, ना मेरे से बहुत ज्यादा सर्दी बर्दाश्त होती है, ना ही मेरे से गर्मी बर्दाश्त होती है। इस वजह से मैं इतना लपेट के ना दुपट्टा नहीं ले सकती हूँ। हमारी माशाल्लाह पहली सहरी तो बहुत अच्छी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अफ्तारी भी कर चुके हैं हम, लेकिन आज सिर्फ मैं सहरी का व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और एक दिन और मैं अफ्तारी का शेयर कर दूंगी, मतलब फुल व्लॉग। बाकी मैं कोई रेसिपी शेयर कर दिया करूंगी या डेली रूटीन, ठीक है। अभी भी मेरे पास मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी थी, वो मैंने प्रॉपर एक एडिटिंग करके रखी हुई है वीडियो, लेकिन अभी वो शेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ। आज मैं सहरी का भी व्लॉग शेयर करना चाह रही थी इस वजह से, इंशाल्लाह वो भी कल या परसों तक मैं शेयर कर दूंगी। अभी जो हम वेजेस खाएंगे ना सहरी में, साथ भी मैं रखूंगी, आप देखिएगा इतनी मजे की वो बनी थी, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये वही पेड़े उसी तरह मैं बना रही हूँ जिस तरह मैंने फ्रोजन पराठे बना के रखे हुए हैं। देखें व्यूअर्स, ये है ना जो डंडा, ये डंडा बन जाता है बार बार। ये देखें ये ब्रश, मुझे ब्रश मिल ही नहीं रहा जो फिक्स होता है। अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर वो परचेज कर लूंगी। इसमें ना अब मैं टिश्यू दे लूंगी अंदर। ये देखें, पाकिस्तानी है ना तो हम जुगाड़ लगा लेते होते हैं। ये देखें ये टिश्यू है ना, ये टिश्यू, ये इसके अंदर ऐसे रख के देख लें। साथ साथ मैं आपको टिप्स भी बता रही हूँ, मैं कमा सहरी का टाइम थोड़ा तो कोई टिप शिप ना दसा तो, लेकिन फिर भी मैं दस थोड़ी भी कुहता था कि हाल होया ब्रश में इंज फड़ के लाए जे पराठे बनाए ने। चलो हूँ पराठे तल रहे हैं। चलो नाल चाह भी बना लेने हैं थोड़ी,
और किसी ने पीनी हो मैं तो नहीं पीनी सारी टाइम। हलो इनू की होया हम मुक भी गया जी हाले हफ्ता भी नहीं होया अब तो बाबा आ रही है। चलो चाह बना लेने इलायची वाले बर्तन अच्छी सॉस पहले हम बनाएंगे चाय। बर्तन बचाओ ये देखें जी इसी में मैं बनाऊंगी कैवे वाली चाय। ये देखें जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था ना उसे हमने सबसे पहले पका लेना ठीक है इस तरह से करके। मजे की पराठे बनते हैं ना व्यूअर्स मैंने कहा चले दो तीन तरह के मैं पराठे बनाती होती हूँ आज ये बनाती हूँ फिर किसी दिन एक और तरह बताऊंगी तो फिर किसी दिन एक और तरह बताऊंगी। और फिलिंग वाले भी बनाएंगे वो जो स्टफिंग वाले होते हैं आलू वाले पराठे हैं गाजर वाले भी मैंने बनाने हैं अगर बनाए तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको। चीज पराठे भी बनाएंगे हम तो आके ना मतलब जो भी आया था एयरपोर्ट पे ना फायरिंग होने लग गई तो जो से लेने गया था ना यहाँ का प्रेसिडेंट का कोई मशीन यहाँ पाकिस्तान का वो से कहता है आप सबर करें आप परेशान हो मैं अभी कोई जुगाड़ लगाता तो उसने वहां से लेके जाता फिर वो जिस गाड़ी में बिठा था उसकी ब्रेक के ऊपर नहीं टेंशन नहीं मेरी टेंशन नहीं मैं अभी कोई जुगाड़ लगाता पाकिस्तानियों के पास हर चीज की जुगाड़ होती है। फिर उसके बाद कुछ और ऐसे ही होते हैं कहते जुगाड़ी तो फिर उसको कॉल आती है कहते हाँ क्यों ऐसे हो रहे हैं वो कहते पता सारा कुछ चढ़ गया बस आप ना इनसे कहें कि जो इनके पास जुगाड़ है ना वो हमें दे दें इनसे खरीदने जितने भी पैसे हमें दे दें हर चीज की जुगाड़ लगा लेते हैं माशाल्लाह पाकिस्तानियों में ये बहुत हुनर है। चलिए मैं बना लूंगा पराठे तो फिर मिलते हैं इतनी लंबी वीडियो मेरा फोन बर्दाश्त नहीं जे ना करता। ये देखें व्यूवर्स चाय हमारी उबल रही है इसे हम पा लेते हैं इस मग में। और ये देखें जी पराठा कितना खूबसूरत बन रहा है हमारा। ये लेयर्स चेक करें ज़रा अगर आपको नज़र आ रही है इधर तो ये देखें ऐसी लेयर्स हैं। चलिए मैं चाय डाल दूँ चाय इधर डालूंगी ये आपको कैमरे में नज़र नहीं आएगी लेकिन इसका धुआं नज़र आ रहा है ना आपको थे पार मैं इधर रही हूँ धुआं देखें किधर जा रहा है स्टैंड के नीचे रख के डाल रही हूँ बिल्कुल दिखाती हूँ अभी ये देखें आई थिंक ये जस से पियेंगे बस वे पराठा सड़ गया रे बच गया जे। चलिए इस पे सालन गरम कर लेते हैं मैंने ना कढ़ाई में से निकाला नहीं था मैं कहा चलो मैं अच्छी गरम कर लाँगी बाकी मैंने एक टिफिन में फ्रिज में भी रखा है निकाल के सर क्योंकि मैंने मतलब आज इफ्तारी में मैंने सालन ही बनाना जिसने खाना होगा वही खाएगा और एक मैंने फ्रीज भी कर दी क्योंकि वह भी बना लिया सी। चलो पराठा ला लिया माशाल्लाह कितने प्यारे पराठे हैं व्यूअर्स। चले अब मैं ना जल्दी से सारे पराठे बना लूँ अभी एग्स भी बनाने वैसे लग रहा है टाइम बहुत कम है तो आपको पता है फिर वीडियो बनाते हुए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब डाइनिंग पे मिलती हैं एग्स बनाते हुए मिलती हूँ मैं उनका प्लेट में डाल देता हूँ क्या कढ़ाई इतनी बड़ी बाहर लेके जाऊँ इतना सा सालन ही गर्म किया ये भी नहीं खाया जाना इन लोगों से।
इस वजह से ना मैंने रमजान और मुबारक में सालन बहुत कम बनाना है। एग बहुत पसंद है मुझे लोगों को, एग डेली बनाया करूँगी। बाकी भी सब मेरी ऐसे भी खा लें नमक ऐसे ही, अब देखें कौन कौन खाता है। तो रमज़ान में ऐसे ही दही आता है, मलाई शलाई कोई नहीं जो आँदी। चलो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा मज़े का होता है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही मुझे होता है नहीं, हमें तो मलाई वाला पसंद है। ये देखेंगे बस, अब ये खाने लगी हूँ, ये खाऊंगी तो काम चलेगा, स्टमक का मसला है ना। हिंदी बना लेते हैं, तबियत बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ऐसे घी में नमक डालना, ये देखें तो इस पे अंडा। अच्छा वो तो देखे मैंने ना, एग वॉश करके रखे होते हैं इस तरह। इस तरह ये होता है कि हमें है नहीं वॉश करने पड़ते बार बार। लो जी अंडे देखो कैसे बन गए। बेटा ये इधर इसलिए पड़ा है अभी, मैंने इतनी मीठो खाया आपको क्या जरूरत थी। मैंने कहा देखने में व्यूवर्स को मुश्किल पेश आ रही होनी है, थोड़ी मदद कर दी। ओहो व्यूवर था मेरा आज जल गया, आप क्या था सुबह स्कूल जाने में मुश्किल हो जाए। मैंने कहा सात टांगों में भी दर्द है, दो चीज़ें होंगी तो और आसानी हो जाएगी छुट्टी करने में। वैसे तो मुझे बहाना चाहिए नहीं, मेरी मामा बड़ी अच्छी है, वैसे ही करा देती हैं। क्या करवा देती हैं छुट्टी? लोग बच्चे पूछते हैं मामा कितनी आसानी से करा देती है, मैं कहती हूँ मामा तो मेरे मुँह चूमती हैं कि इतनी प्यारी बेटी है। हाँ जी बिल्कुल है ना, ऐसे ही है। अच्छा बताएं आपको अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? आयरा से। तुम यहाँ से हम ऐसा म्यूट कर देंगे व्यूवर्स। ये बस मेरा हाथ, अगर मैं किसी गर्म चीज़ पर रख लूँ ना तो मैं इग्नोर ही करती हूँ कि मुझे गर्म चीज़ें पसंद है। निशान नहीं पड़ा पर गर्म फील हुआ। ये देखें व्यूवर्स, व्यूवर्स वैसे मेरे हाथ काफ़ी प्यारे हैं, मैंने कभी गुरूर नहीं किया। वो जो मामा ने बात बताई थी ना, मामा की जो अम्मी थी ना वो उनको उनकी पसंद का अंडा देती थी, मेरी मामा भी ऐसे करती हैं, अंडा देती मतलब फ्राई करके देती थी, अंडा देती थी। नहीं व्यूवर्स भला क्या, कभी कभी तो मामा मैंने खाना एक होता है लेकिन मामा मेरे आगे दो रख देती हैं कि थोड़ा सा वो खा लो, अगर दोनों खाने दोनों खा लो। पर फिर ना आयरा जो है ना वो फिर करती है कि मुझे डांट पड़े किसी तरीके से, वो देखो मामा की अंडे की बेइज्जती हो गई है, पहले ही बड़ा अच्छा बना था। तुमको मामा ये कहती मैं तुम्हें यही खिलाऊंगी अब। ये देखें व्यूअर्स, ये एक दो क्लिप यासीन ने ना रूम से बाहर आते हुए बना लिए थे। वो देखें सामने किचन है तो मैंने सिलाई मशीन रखी होती है और ये विंडो के आगे हमने इस तरह से लाइट्स लगा ली हैं। और ये इज़ू ने ना रमज़ान लिखने की कोशिश की है तो अच्छी है टाइम टाइम माशाल्लाह। हाँ ये देखें कैंडल्स कितनी प्यारी लग रही हैं वो, माशाल्लाह। ये देखें जी हमारी सहरी रेडी है, ये बड़े मग में इलायची वाला पानी है, प्लेट में सालन है, एक प्लेट में एग्स बना ली है, साथ में दही है, लस्सी मैंने बनाई नहीं थी और जग में भी पानी है, साथ में मैंने जैम भी रखा हुआ था टेबल पर क्योंकि जैम भी अक्सर पराठे के साथ इज़ू या यासे खाते होते
होते हैं, उसके साथ वो है कचुमर अचार। और हाँ, ये लोग शक्कर भी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन शक्कर रखनी मुझे याद नहीं रही। अभी कल भी थोड़ी सी ग्रोसरी की थी रात को ना, रोजे शुरू होने, मतलब जैसे ही रमजान मुबारक का चांद नजर आया तो ड्रिंक्स आने वाली थी, रू अफजा वगैरह, उसकी भी वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह कल या परसों में आप लोगों के साथ ये मिक्स वेजेस की रेसिपी शेयर करूंगी ना, साथ वो भी वीडियो शेयर करूंगी। तो वो चीजें, ड्रिंक्स वगैरह हम लोग लेने गए थे। फिर जनाब स्टोर ते जाओ ते चीजा बड़िया याद आ जाती है, शक्कर याद आ गई सी के आन अली, ऐसे कहते हैं ये तो हम लेके नहीं गए थे उस दिन चेजब से, हम लोग शक्कर नहीं लाए थे साथ में, चेजब से चिकन पाउडर भी नहीं मिला था और लेमन जूस भी नहीं मिला था, मतलब जो कुछ मुझे चाहिए था रात को भी माशाल्लाह हम ले आए थे। या सिर तो उसी दिन ले रहे थे चेजब से ये रूह अफजा और संदल, बहुत शौक से हम लोग पीते हैं। टैंक तो हम ले आए थे उस दिन, लेकिन ये रूह अफजा और संदल मैंने नहीं लेने दिया था, क्योंकि ये बॉटल्स किचन में पड़ी होती हैं तो बच्चों ने तभी पीनी शुरू कर देनी थी, और अभी ठंड थी तो मेरा तो प्रोग्राम था कि अभी हम वो पिए ही ना, सिंपल पानी पिए बच्चे, लेकिन फिर भी चले ड्रिंक्स शौक से पी लेते हैं बच्चे, हम लोग वो ले आए। अब इंशाल्लाह डेली इफ्तारी में हम लोग पिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा व्यूअर्स, आप में से ये वार्म लाइट किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में से एक दो लोगों को नहीं पसंद, मतलब मुझे पसंद है या शायद आयरा को पसंद है, तो यासिर को नहीं पसंद है। यासिर थोड़ी देर बस चलने देते हैं वार्म लाइट, जैसे मैंने किचन में भी लगवाई है ना, मैं मोस्टली टाइम वही चला के अपना काम करती हूँ। खैर कभी फिर इधर डिस्कस करांगे। देखो जनाब असी अपने टेबल पे बैठ गया थे, मैं हले एक दो पराठे और बना रही सा, माशाल्लाह मैंने 7 पराठे बनाए थे लेकिन एक बच गया था, 6 पराठे हम 5 लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह खा लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सहरी कर ली थी। अच्छा व्यूवर्स, आज से 1.5-2 साल पहले तक ना ऐसा होता था, मुझे वीडियो बना के शेयर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होता था, स्पेशली खाने की वीडियो ना, मतलब स्पेशल जो हम लोग खाने की वीडियो बना के स्नैपचैट पे सब एक दूसरे को शेयर करते थे, इंस्टाग्राम पे करते थे, इवन के फेसबुक पे भी करते थे, तो मैं यासिर को कहती होती थी कि यासिर मुझे खाने की वीडियो बना के शेयर करना अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह की तरह देखो ऐ काम मेरा है हूँ मैनू बिल्कुल नहीं अच्छा लगता होंदा सी कि मतलब हम लोग खाने की वीडियो बना के किसी के साथ शेयर करें, लेकिन भाई अब ये मेरी जॉब है तो मुझे माशाल्लाह शेयर करना पड़ता है, और वैसे भी आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, आपके साथ शेयर करके मजा आता है। तो ऐ देखो असी कैमरा सेट कर लिया, यासिर ने किया था देखे कितना अच्छा कैमरा सेट, तो बस हम सब लोग बैठ गए हैं, मुझे डांट पड़ रही थी यासिर से कि अब छोड़ो सब काम, आ जाओ सहरी कर लो। चलो वही मैं तो डर के बह गई, मैं कहा चलो वही ठीक है पहले सहरी कर लेने हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।